तो एक और हम देखते हैं ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता। ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता, ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता के स्थलों के बारे में पहले देख लेते हैं कहां कहां ये स्थल पाए गए हैं। तो ये कई राज्यों में ताम्र पाषाण कालीन स्थलों को पाया गया है, और जिनमें से हम एक एक राज्य को देख लेते हैं, राजस्थान को देख लेते हैं। राजस्थान को लेते हैं तो राजस्थान में ये आहार है, सिलोन है, आहार सिलोन, सिलोन उदयपुर, उदयपुर और राजसमंद, ये चार स्थल हैं, आहार सिलोन उदयपुर राजसमंद, ये राजस्थान के स्थल हैं। उसके बाद हम बिहार के स्थल देख लेते हैं, बिहार के स्थलों को देख लेते हैं। बिहार में जो है दो स्थल हैं, ताराडीह और चिनार, ताराडीह और चिरान, बिहार के ये दो स्थल हैं। और पश्चिमी मध्य प्रदेश में देखते हैं, पश्चिमी मध्य प्रदेश के स्थल है मालवा कैथा, मालवा कैथा, एरड़ गुजेरिया, एरड़ गुजेरिया, ये चार स्थल हैं मध्य प्रदेश के ताम्र पाषाण काल के स्थल। तो मालवा कैथा, एरड़ और गुजेरिया। महाराष्ट्र में आता है, महाराष्ट्र में जोरवे, जोरवे संस्कृत है, नेवादा टोली है, नेवादा टोली, नेवासा, नेवासा, सोनगांव, सोनगांव, इमामगांव, इमामगांव और दायमाबाद, दायमाबाद, ये जो है महाराष्ट्र के स्थल हैं। और उत्तर प्रदेश के जो स्थल हैं, उत्तर प्रदेश में एक बिठूर आता है, बिठूर है, खैराडीह, खैराडीह, खैराडीह बलिया में पड़ता है। तो ये जो है ताम्र पाषाण कालीन स्थल जो अब तक खोजे गए हैं, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के ये प्रमुख स्थल हैं। अब इसके बाद हम यहाँ से ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता से कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको देख लेते हैं। ताम्र पाषाण सभ्यता है क्या, कुछ बताइए उसके बारे में। ताम्र पाषाण सभ्यता असल में ये जो है नव पाषाण काल की समाप्ति, जो समय इसका माना गया है अधिकांश विद्वानों के द्वारा माना गया है कि ताम्र पाषाण काल का समय 5000 ईसा पूर्व तक समापन इसका मान लिया जाता है। और उसके बाद जो है आपके ये सिंधु घाटी जो सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो स्टार्टिंग समय एक मिडिल टाइम ले लिया जाए तो 3000 ईसा पूर्व माना जाता है। और 5000 और 3000 के बीच में जो 2000 का वर्ष का समय आता है उसको ताम्र पाषाण, चूंकि जो है अगर उसको नव पाषाण काल के अंतिम समय में ही तांबे की खोज हुई थी, और इस यही कारण रहा है कि नव पाषाण और सिंध घाटी सभ्यता के बीच के काल को ताम्र पाषाण काल के रूप में जाना गया। तो
तो ये ताम्रपाषाण वही तांबे की खोज के नाम पर ही इसका नाम ताम्रपाषाण का रखा गया। अब इसमें देखते हैं ताम्रपाषाण काल के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को यदि देखा जाए सबसे प्राचीन ताम्र पाषाणिक स्थल पाषाणिक स्थल प्राचीन आहार को माना गया है। प्राचीन आहार को माना गया है। तो यदि ताम्रपाषाण काल की प्राचीन केंद्र के बारे में देखा जाए तो ये प्राचीन आहार है और ये आहार जो है आपके राजस्थान क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दूसरा यहाँ जो है जो ताम्र प्रथम ताम्र निधि 5000 ईसा पूर्व से प्राप्त हुई यहीं से ताम्रपाषाण काल की शुरुआत मानी जाती है। अगले बिंदु को देखा जाए सर्वप्रथम बर्तनों को रंगने एवं चित्र बनाने का प्रारंभ ताम्रपाषाण काल से माना जाता है। ताम्रपाषाण के लोग मातृदेवी की पूजा करते मातृदेवी की पूजा करते थे और बिरसक उनके संप्रदाय का प्रतीक था। और यही दोनों जा करके आपको सिंध घाटी में बिरसप की भी महत्व तो बढ़ जाता है क्योंकि बैल से संबंधित जो मोहरे हैं सर्वाधिक पाए गए हैं और माता देवी भी वहां। आगे भारत में सर्वप्रथम ताम्र निधि 1822 ईस्वी में कानपुर के बिठूर से प्राप्त
हुई। तो भारत की जो सर्वप्रथम ताम्रनिधि प्राप्त हुई खोज के क्रम में 1822 में कानपुर के बिठूर से प्राप्त हुई, और उसका जब समय देखा गया तो समय क्या मिला, 5000 ईसा पूर्व का मिला। यही से 5000 ईसा पूर्व को जो है ताम्रपाषाण के समय को निर्धारित किया गया। अगला जो है मध्य प्रदेश के गुजेरिया नामक स्थान से, मध्य प्रदेश के गुजेरिया नामक स्थान से सर्वप्रथम सबसे बड़ी ताम्र निधि प्राप्त हुई। जिसमें से 424 निधि तांबे की थी, जिसमें 424 निधि तांबे की थी और 102 निधि चांदी की थी। चांदी की थी तो ये गुजेरिया तो कई बार पूछा गया है। ताम्रपाषाण काल में प्राप्त सर्वाधिक अनाज नेवदा टोली से प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक अनाज कहां से प्राप्त हुए, नेवदा टोली से। ताम्रपाषाण काल के सर्वाधिक अनाज नेवदा टोली से प्राप्त हुई, नेवदा टोली से प्राप्त हुई। ताम्रपाषाण काल की सबसे बड़ी बस्ती इमाम गांव है। खैराडी से तांबे का बाड़ाक प्राप्त हुआ है। खैराडी से तांबे का बाड़ाग प्राप्त हुआ। कैथा से तांबे की ढली हुई कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। कैथा से तांबे की ढली हुई कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। दायमाबाद ये महाराष्ट्र वाला है, बाद से गैडा भैंसा और रथ प्राप्त हुए। तो ये कैसे है, ये तांबे के हैं। गैडा भैंसा और रथ किसके हैं, तांबे के, छोटे तांबे के, चूंकि ये ताम्रपाषाण काल को पढ़ा जा रहा है, प्राप्त हुए हैं। ताम्रपाषाण काल में बर्तन लाल व काले रंग से लाल व काले रंग से
रंगे गए हैं। लाल व काले रंग से रंगे गए, ताल पाषाण काल के में बर्तन लाल व काले रंग से रंगे गए हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो यहाँ से मुख्य क्वेश्चन, ताम्र पाषाण काल जो है, बस इतना ही था, अब ये यहीं पर समाप्त हो जाता है।